संतोष सर, तो एक तो बारे में जरा निफ्टी के बारे में बताइएगा। आज दो बड़े हिस्सेदार, एक तो HUL और दूसरा रिलायंस, बाजार की कर रहे हैं हेल्प, लेकिन हम 1400 को पार नहीं कर पा रहे। सर क्या किया जाए? देखिए, जैसा कि लास्ट टाइम की हम बात कर रहे थे कि अगर लॉन्गर टर्म चार्ट्स को देखें तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्टिव डाउन मूव था और उसके बाद फिर से ये हम शायद नई हाई की तरफ जाएं, इस तरह के इंडिकेशन लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे हैं। और लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे जब कभी भी इस तरह से हैं, या एलियट वेव को कह लें कि अभी भी लास्ट वेव जो है अनफर्ल होनी बाकी है, उस केस में जब कभी भी हमें करेक्शन मिलता है या सपोर्ट के पास मार्केट आता है तो वहां पर एक लॉन्ग की स्ट्रेटेजी ही अपनानी चाहिए। और अपने सिग्निफिकेंट जो एक गैप था उसको भी फिल किया था मार्केट प्रीवियस डाउन मूव में, और आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने गैप अप ओपनिंग देखा था क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है और उसके कारण जो है US मार्केट में काफी तेजी रही है। मुझे लगता है कि ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा वो तकरीबन 850 के आसपास आएगा, और बहुत सारी लिंक्स मिल रही हैं। आप समझो कि मेटल काउंटर्स में लास्ट दिन भी हम लोग बात कर रहे थे और मेटल्स में काफी ज्यादा तेजी है और वहां पर दाम 4,000 प्रति टन बढ़ने वाले भी हैं, ऐसा मतलब सोर्सेस से न्यूज है अभी मार्केट में। तो अगर मेटल स्ट्रांग है इसका मतलब आप समझो कि GDP या इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तभी मेटल के प्राइसेस या कमोडिटी तभी तेज रहती है जबकि आने वाले दिनों में GDP या इकोनॉमी अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट भी तेज रहना चाहिए उसी। ठीक है। मेरे साथ एक और मेहमान है, प्रशांत सावंत सर। एक बार जरा उनका भी व्यू पॉइंट हम ले लेते हैं और उनसे भी एक बार जरा कनेक्ट कर लेते हैं। प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर एक बार आपका भी इंडेक्स पर व्यू, जरा निफ्टी पर व्यू, और उसके बाद मैं फिर आपके पास आता हूँ। एक बार अपना माइक भी आप ऑन कर लीजिए ताकि हम आपका एक बार व्यू ले पाए। यस प्रशांत सर, प्लीज। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड आवाज मॉर्निंग क्लियर सर। है? बिल्कुल क्लियर है सर, एक लाउड एंड आपने क्लियर। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना शेयर करना चाहूंगा, छोटा सा, अगर 2 मिनट हो तो, निफ्टी प्लीज के प्लीज ऊपर। प्लीज बताइए बताइए। सर एक टाइम साइकिल होती है जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है स्टॉक मार्केट पे। तो ये होती है 20 से 25 सितंबर और 20 से 25 मार्च। तो अगर आप डेली चार्ट ओपन करें निफ्टी की, तो आपको दिखाई देगा कि 20 से 25 अप्रैल से निफ्टी ऊपर आना चालू हुई। आप अगर देखो 20 से 25 सितंबर ये निफ्टी नीचे आई, वहां से जो ऊपर आई वो स्ट्रेट वन साइड उसने रैली कर दी। वो इक्विनॉक्स टाइम साइकिल का मूव था जो नीचे आया, वहां से काफी सारे बेयर्स ट्रैप हो जाते हैं। अगर आप अभी देखो, और वो गैप से उसने सपोर्ट लिया था, अगर आप अभी देखो तो 20 से 25 मार्च सेम चीज हुई जो सितंबर में हुई थी, सेम चीज रिपीट हुई है, और उसके बाद गैप अप होके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए अब पहला हम ये मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि नया हाई बन सकता है, बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है। ये इक्विनॉक्स मूव ही था जो सितंबर में आया, वही अभी आया। और अब मुझे लग रहा है कि सबसे पहला बैरियर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 15,050, अगर ये आज 14,850 के ऊपर क्लोज दे, जो हमारे लास्ट टाइम का नंबर था 15,050, हमारा फर्स्ट टारगेट है, उसके ऊपर डेफिनेटली नया हाई आएगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 14,850 एक बार अगर आ गया तो फिर एक जबरदस्त मूवमेंट मार्केट के अंदर मिलेगा, और आप हाँ, ये कह एक रहे हैं कि क्लोजिंग कम आना से चाहिए, कम क्लोजिंग क्लोजिंग बेसिस पे 1,400 आना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं पचास भी क्लोजिंग की बात बोल रहा हूँ, 14,850 के मुझे हाँ क्लोजिंग मिल जाए एक बार, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग जोरदार आएगी और कहीं भी निफ्टी को 15,500 तक भी लेके जा सकती है, यही बात है सर आपकी? नहीं, 15,050 होगा पहला टारगेट, उसके ऊपर पंद्रह न्यू हजार हाई बनने पचास का पहला चांसेस बहुत ज्यादा। ठीक है, 15,050 आपका पहला टारगेट हो जाएगा, 15,050, यानी कि 200 पॉइंट का कम से कम गेन शॉर्ट कवरिंग का आप कह रहे हैं हाँ और आता हो दिखेगा। ठीक है, हाँ इंटरेस्टिंग सर। एक व्यू पहले मैं जरा संतोष सर से लेता हूँ, फिर प्रशांत सर आपके पास भी वापस लौटूंगा। संतोष सर, हाँ आज एक लिस्टिंग हो रही है वो है नजारे की, ऑलमोस्ट इसके चार्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपके हाउस का कोई ना कोई व्यू तो होगा ही ना इस पे, आपके क्लाइंट्स आपसे पूछते होंगे, तो आप अपने क्लाइंट्स को क्या व्यू दे रहे हो नजारे को लेकर? अब नजारे ने नजारे तो दिखाई दिए, 1100 वाला शेयर है, 1900 पर लिस्ट हो रहा है, पैसा डबल हो गया, इससे बड़े नजारे और क्या दिखाए? देखिए, ऐसा है कि अगर ये स्पेस को देख लें तो काफी हैपनिंग स्पेस है, जो गेमिंग का स्पेस है, और दुनिया में एंटरटेनमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा खर्च की जाता है पैसा वो गेम्स के ऊपर है, और हम एंटरटेनमेंट में मूवी को देखते हैं, उसमें OTT प्लेटफॉर्म कह लें या फिर आप सिनेमा घरों में जाके देख रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए गेमिंग को बहुत ज्यादा जो है बहुत बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया में।
और इसी क्षेत्र में ये कंपनी आई है, हालांकि 2 सालों से लॉस है इस कंपनी में। कंपनी ने यूएस में कनाडा में एक एक्विजिशन किया था जो कि जूनियर्स के लिए कह लें, उनको खेल खेल से पढ़ाने का एक ऐप उन्होंने किया था जिसमें वो फी भी लेते हैं, तो उस लिहाज से ये स्पेस काफी अच्छा होगा। लेकिन चूंकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी तो आईपीओ में तो हम लोगों ने रेकमेंड किया था कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, बट इन स्तरों पे थोड़ा स्केप्टिक है। निचले स्तर अगर यहाँ से मिलते हैं इसको और थोड़ा सा इसमें करेक्शन होता है सब, क्योंकि लिस्टिंग के बाद इसमें एक डाउन मूव देखने को मिल रहा है, तो दोबारा लिस्टिंग के आसपास जो है 10-15% के ऊपर अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको फिर से लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्टोरी जो है वो काफी जो है एक्साइटिंग है गोइंग फॉरवर्ड, और इस लिहाज से ये स्पेस भी बहुत बड़ा है। अगर आप देखेंगे कि कंपनी का क्या स्कोप हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, तो वो बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है गेमिंग के लेके, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में मैं 200 में सर आपकी लंबी दूरी का ठीक है संतोष सर, मैं इसमें 2 हिस्सों में आपकी बात समझ रहा हूँ कि वैसे कंपनी ठीक है, बिजनेस ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन वैसे आज खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। एक बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बता रहे हैं कि अभी थोड़ा और गिर सकता है, 10% गिर जाए नीचे तो फिर देखते हैं अभी, और टेल अभी तो मेरे को लग रहा है वेट भी करना चाहिए शुरुआत में। जो एक और चीज है मैं ये बात बोलना भी चाहूंगा, लिस्टिंग वाले दिन लिस्टिंग गेन अलग चीज है, सेकेंडरी मार्केट अलग चीज है। अभी फर्स्ट डे कोई कंपनी लिस्ट हो जाए ना तो चार्ट सर संतोष सर आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं मैं ये मैं देखिए सबसे पहली चीज है कि जब कभी भी आप इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हो तो अपने रिस्क को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, और चूंकि आज लिस्टिंग है चार्ट पे तो आपको चीजें नहीं मिलेंगी, बट मिनट चार्ट को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें नीचे की तरफ ही बार बार जो है स्टॉक जाया जा रहा है, अभी तक का जो प्राइस पॉइंट मिल रहा है हमें बराबर नीचे की तरफ है, बिकवाली है, क्योंकि शायद इसमें अनवाइंडिंग हो रही है जिन्होंने ग्रे मार्केट से लिए होंगे या फिर कह लें जिन्होंने मार्जिन फंडिंग की होगी स्टॉक में और उनके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, उस लिहाज से वो सेलिंग होगी, और जब तक वो अब्सॉर्ब नहीं होती है तो डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा, और उस वो लंबी दूरी के अवधि के अगर निवेशक हैं तो वहां पर आप जरूर खरीदें। ठीक है, एक बार मैं प्रशांत सर से भी व्यू ले लेता हूं। प्रशांत सर आपके हाउस का अपना व्यू क्या है कैटलिस्ट वेल्थ का? आपके क्लाइंट्स भी आपसे पूछते होंगे नजारे को लेकर, तो आपने उन पर क्या राय दी है? आपने पहले आईपीओ के लिए उनको बताया था कि आईपीओ भरो आप, यानी कि एप्लीकेशन लगाओ, अगर लगाया था तो आपका अपना टारगेट क्या है और आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पे? तो डिम्पी जी ये प्योरली मैंने एक लिस्टिंग गेन के लिए लोगों को बोला था कि आईपीओ अप्लाई कीजिए, चांसेस लगने के बहुत कम थे, बट लिस्टिंग होते ही मतलब आज के दिन उसमें क्या होता है काफी लोग उसमें एंटर करना चाहते हैं, उस टाइम हमें सिर्फ अगर आईपीओ में मिले तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, बाद में हमें वेट करना चाहिए कि समझो अभी 1100 का आईपीओ प्राइस था तो मेरे लिए वो एक स्टॉप लॉस बन जाता है, तो वो हिसाब से मैं अपनी लिस्टिंग देखूंगा कि मुझे 1400-1550 के आसपास अगर मिले तो मैं क्वांटिटी वो हिसाब से लूंगा कि मेरा रिस्क इतना है, यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, वो हिसाब से मैं छोटी छोटी पोजीशन बनाना चालू कर दूंगा। ठीक है डन। संतोष सर मैं आपके पास ना एक शेयर के लिए आता हूँ, वो है वोडाफोन आइडिया। आपने ना कुछ दिन पहले सर एक शेयर बताया था हमको, वो था यस बैंक। तब मेरे ना माइंड में एक चीज और भी आ रही थी कि सर यस बैंक तो बता रहे हैं कि इसके पीयर मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ लू, एग्जैक्टली पीयर ढूंढना तो मुश्किल था, लेकिन आज हमारे एक व्यूअर है करण कर करके हैं, उनका एक व्यू पॉइंट लेना चाहते हैं वो आइडिया को लेकर, और साथ ही हमारे एक और मित्र भी है वो भी यही पूछना चाह रहे हैं कि इस समय क्या किया जाए, तो सर एक बार अपना व्यू पॉइंट बताइए मेरे को आप, वोडाफोन आइडिया क्या ये शेयर भी लेके रखने वाला है? देश में अब 3 ही कंपनियां रह गई सर। देखिए कंपटीशन के लिहाज से तो जो है इनके सामने 2 बड़े कॉम्पिटिटिव हैं, भारतीय एयरटेल और रिलायंस कह लें, इनकी बैलेंस शीट तो काफी ब्लीड कर रही है, बैलेंस शीट अगर देखेंगे काफी पैथेटिक है, और अभी तक जो है कंपनी में जो फंड जुटाने की योजना थी उस पर भी क्लैरिटी इमर्ज नहीं हो पा रही है, और यही ओवरहैंग इस कंपनी में है। मुझे लगता है कि जब तक कि इनको कोई भी पैसा मार्केट से नहीं मिलता है इनकी बैलेंस शीट पे काफी स्ट्रेस होगा, और एज ए बिजनेस भी देख लें तो लास्ट केवल जो है बहुत कई महीनों के बाद जो है कंपनी में सब्सक्राइबर एडिशन देखे हैं, लेकिन कंपनी को अभी भी फाइनेंशियल्स पे बहुत सी चीजें करनी है इनको, और आरपू जो जिसे हम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कहते हैं इंडस्ट्री में सबसे लो है कंपनी एंजॉय करती है, तो ये थोड़े इनके लिए नेगेटिव है। मुझे नहीं लगता कि यस बैंक जैसा कि अभी यस बैंक में लास्ट के 2-3 क्वार्टर से प्रॉफिट है, इसमें अभी भी वो चीजें देखनी बहुत दूर है, और यस बैंक में और एक न्यूज है कि आज जो है इसमें कुछ
एडिशंस हो रहे हैं इनके, जो जो इंडेक्सेस में कुछ रीबैलेंसिंग हो रही है, तो उसमें तकरीबन 4 करोड़ शेयर खरीदे जाएंगे और यस बैंक अपनी बुक वैल्यू के थोड़ा नीचे है, ट्रेड हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज मुझे इसमें तो नहीं दिख रही है आइडिया में कि मैं आपको शेयर करूं कि ये चीज लेनी चाहिए। अदरवाइज केवल और केवल ये है कि कुछ सपोर्ट्स के पास ये कंपनी आ रही है, जहां पर कि आपको देखना चाहिए 8 रुपए के आसपास अगर सपोर्ट वो मिलती है कंपनी, तो थोड़े से जो है स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हैं कि ये कंपनी सर्वाइवल के लिए चूंकि लड़ाई कर रही है तो सर्वाइव हो सकती है केवल और केवल उसके लिए, अदरवाइज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। ठीक है, डन। तो आपने वोडाफोन आइडिया को फिलहाल अभी एक्साइटिंग कंपनी की कैटेगरी से थोड़ा कर रखा है बाहर। अगर आपको इसी कैटेगरी में लेना है, कई लोग कहते हैं कि अंडर 20 शेयर बताओ, हालांकि मेरा थोड़ा कंसेप्ट ही गलत होता है, मैं इसको थोड़ा कम मानता हूँ कि अंडर 20 शेयर बताओ। आप ये कहो कि ऐसा शेयर बताओ जो बहुत दमदार हो लेकिन किसी वजह से टूट के 20 रुपए के नीचे आया हो, तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय सीधा ये पूछने की अंडर 20 शेयर बताओ। तो अंडर 20 शेयर छोड़ दो, अच्छी कंपनी किसी वजह से अगर 20 रुपए के नीचे आ गई वो पकड़ लो। उसमें जो यस बैंक सर कह रहे हैं कि ठीक है, वैसे उस दिन से सर अभी तक ये 14 रुपए के नीचे नहीं गया। संतोष सर आपको भी ध्यान होगा उस दिन से लेकर अभी तक ने भले 20 पैसे से ऊपर खड़ा है लेकिन अभी भी 14 रुपए के ऊपर ही खड़ा हुआ है, अभी मैंने ये भी चेक कर लिया है। कह रहे हाउ आप रखो एक बार यस बैंक की, आइडिया छोड़ दो। प्रशांत सर एक शेयर में जरा आपसे और पता करता हूँ, जरा आप भी जरा देखिए, वो है KEC इंटरनेशनल। हमारे एक व्यूअर है वो कह रहे हैं कि इस पे क्या ब्रेकआउट आ रहा है क्या, तो शार महाजन जी हैं वो कह रहे हैं कि बड़े जरा चेक कीजिए कि जरा KEC के अंदर कोई ब्रेकआउट तो नहीं है। KEC इंटरनेशनल तार बनाने वाली कंपनी है सर। इनफैक्ट ब्रेकआउट तो नहीं, मैं बोलूंगा ब्रेकआउट है तो सपोर्ट टूट गया है। हाँ वही मैं बोलूंगा, ब्रेकडाउन जरूर हो रहा है, ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है। सर एक बार जरा बताइए इसमें करना क्या है। हाँ ब्रेकडाउन ही लिखा है, अगर बाजार में गलती हो गई है तो शाहजन ने एक्चुअली में ब्रेकडाउन ही लिखा है। आई एम रियली सॉरी, मेरे से ब्रेकआउट पढ़ा गया, ब्रेकडाउन ही है। यस यस यस, ब्रेकडाउन तो हुआ है सर। सो डिम्पी जी, मार्केट जब आज इतना स्ट्रांग है और कोई शेयर इतना टूटा है तो मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा। अगर मेरे पास ये है और मैं पोजीशन में अटका हूं तो आप चार्ट पे अगर लेफ्ट साइड में देखें वहां पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, वो अच्छा सपोर्ट बन सकता है, तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकते हैं। पूरे लेफ्ट साइड में एक कंसोलिडेशन जोन था, उसके थोड़ा नीचे, हाँ बस उसके थोड़ा नीचे आप स्टॉप अगर आप अटके हैं तो, बट कोई नया पोजिशन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, कोई नई पोजिशन तो फिलहाल अभी नहीं बनाना। एक सपोर्ट एरिया जो कि 350 के आसपास आके रुक रहा है, वही एक मेजर एरिया भी है, मैं बोलूंगा कि है बस ये वाला पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर जंक्शन है और ये काफी समय से बना हुआ है, यानी कि ये जल्दी जल्दी टूटेगा भी नहीं, तो ये आपके लिए एक मेजर सपोर्ट जिसे हम कहेंगे, बस वही है जो फंसे हुए हैं। और टूटा कहाँ से, एक्चुअली यहाँ से आए थे और आज वी वैम्प भी गया, तो ये मार्केट के अंदर फ्री फॉल जैसे सिचुएशन है ऑलमोस्ट। एक चीज में थोड़ा और आपको बोलूंगा, RSI इसको मत देखिएगा, प्राइस एक्शन ज्यादा गंभीर है इस समय जो मार्केट के अंदर हो रहा है, ये गंभीरता प्राइस एक्शन की ज्यादा है और फटीक यानी कि थकावट के साइन आपको शेयर ने पहले दिखा दिए थे, ये आप सब कुछ आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फटीक थकावट जिसे हम कहते हैं ना, इसके साइन ये पहले से ही दिखा रहा था। चल जाता तो हम इसको लेते तो 480 के ऊपर ही, बट ठीक है फिर भी अब गिर रहा है तो अभी कोई अटेम्प्ट ना ले कृपा करके, शेयर ये ना देखे कि यार ये टूटा हुआ तो मैं इसके अंदर कूद के अंदर आ जाऊं, थोड़ा सा रुकिएगा इसके अंदर, अभी कूद के अंदर आने की जरूरत नहीं है। संतोष सर जरा एक पॉइंट और देखिए, जरा एक शेयर आप और देखिए, आज मेरे लिस्ट में चल रहा है वो शेयर, वह सर टाटा स्टील 800 आ तो गया, यहीं तक आना था या इससे ऊपर भी जाना है? सर खबर भी आई हुई, आपको पता है शापुंजी ग्रुप को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, टाटा सन्स अब कुछ भी कर सकता है। तो डिम्पी जी अगर आपको याद है, आपने मुझे हिंडाल को बोला था तब मैंने टाटा स्टील बोला था और मैंने कहा था मुझे इस पे 780-790 दिखाई दे रहा है, तो वो टारगेट तो आज आ गया, उसमें बहुत स्ट्रेंथ लग ही रही थी मुझे और उसी एक शेयर के वजह से मुझे मेटल सेक्टर बहुत स्ट्रांग लग रहा था, तो आज वो टारगेट तो आ गया है जो मैं देख रहा था। अब आपका अभी आप नहीं खरीदोगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि आज प्रशांत जी आपके पास पैसे हैं तो आप टाटा स्टील खरीदोगे नहीं खरीदोगे, तो आज आप अगर एक्चुअली मैंने आज प्रॉफिट बुक कर लिया है, बट अगर नई पोजीशन बनानी है, अगर इसी लेवल पे क्लोज दे तो डेफिनेटली नई पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरा अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो मैं फिर खरीदूं, आप मेरे को हाँ या ना में पक्का पक्का जवाब दे दीजिए। खरीद लीजिए, बहुत स्ट्रांग लग रहा है। स्टॉप लॉस कर लूं सर फिर 800 का मिलेगा, चलो टेक है, टाटा स्टील मैंने ले लिया एक मिनट के लिए, स्टॉप लॉस कर दोगे फिर सर?
जो परसों का क्लोजिंग था वही मेरा स्टॉप लॉस होगा, उससे नीचे नहीं रखूंगा मैं। परसों की क्लोजिंग तो पीछे जाके अगर हम देखें तो आपको मिलेगी करीब करीब सर ये है 765 रुपए के आसपास है। 765 बराबर, हाँ 765 के आसपास। 765 का एक स्टॉप लॉस, 800 पे खरीदने से टारगेट क्या दोगे? अराउंड 865-870। 870 का टारगेट हो गया। टाटा स्टील खरीदना है 800 रुपए पे, 870 का टारगेट है और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो है 765 का, 765 का हो गया स्टॉप लॉस। तो ये तीन चीजें आपने हमको आज क्लियर कर दी है। इंटरेस्टिंग सर। प्रशांत सर जब लगे आप हमारे साथ आज जुड़ी गए हैं तो जरा एक बताई दीजिए आपकी आपकी लिस्ट में आज कौन सा शेयर है, फिर मैं आपको आज थैंक यू करूंगा क्योंकि आप थोड़ा थक भी गए होंगे आज शुरुआत में, मार्केट जल्दी ज्यादा था। बताइए सर। नहीं सबसे पहले तो जो हमने लास्ट वीक बात करी थी एशियन पेंट्स, वो आज बहुत अच्छा चल रहा है तो वो है मेरे रडार में और उसमें पोजीशन भी है तो वो अपने टारगेट की मतलब एटलीस्ट उसने स्टार्ट अच्छा लिया है। अब टारगेट आता है नहीं आता ये तो मार्केट ही बता सकता है, बट शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नहीं वो तो साफ दिख रहा है सर, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद से शेयर निकल रहा है और आज तो इसने वीएम का ब्रेकआउट किया हुआ है, ये क्लियर है गैप के साथ ओपनिंग के। सर ये जो गैप है यही स्टॉप लॉस दे दूंगा 2500 का? यही स्टॉप लॉस बस, परफेक्ट यही स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये गैप ही मेरा आज एक स्टॉप लॉस हो गया 2500 का जिसको आज इसने गैप किया है। सर टारगेट क्या दोगे? ये जो हमने लास्ट वीक दिया था अराउंड 2650 वही मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है सर, सर 2700 रख लूं ना टारगेट? 2700 भी रख सकते हैं, 2650 मेरा टारगेट 1 है और 2700 टारगेट 2। 2650 अभी चल रहा है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, 100 रुपए का टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है 1:2। एशियन पेंट्स पे भी एक बार ध्यान रखा जा सकता है, आज मोमेंटम है। अच्छी बात है कि क्रूड के दाम अगर थोड़े से भी टूट गए ना इंटरनेशनल मार्केट में, स्विस कैनाल वाला इशू तो खैर रिजॉल्व हो ही गया है, तो ये अच्छी कवरिंग दिखा सकता है क्योंकि अगर आप इसको आवरली चार्ट पे भी देख रहे हो ना तो इसने अपने डाउन ट्रेंड को भी कैप कर लिया है काफी हद तक, काफी हद तक बहुत अच्छा कैप है और ये अच्छे से मूवमेंट दिखा सकता है क्लियरली। ठीक है तो मेरी लिस्ट में है सर एशियन पेंट, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ जरा एशियन पेंट ध्यान रखूंगा। ठीक है प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। शुरुआत में दोनों शेयर आपने अच्छे से क्लियर कर दिए, टाटा स्टील एंड एशियन पेंट्स, और इंडेक्स में भी व्यू देने के लिए। संतोष सर से वापस होते हैं जरा कनेक्ट और संतोष सर से पता करते हैं जरा 2-4 शेयर और उनसे जरा आइडिया लेते हैं। संतोष सर आज हमारे लिस्ट में पीवीआर और एक दिख रहा है सर, ये है तो कमजोर बट ये उस जगह पर आके खड़ा हो गया है कि जहां पर एक और बुरी खबर की वेट कर रहा है, ये नहीं आई तो कवरिंग करवाएगा, आ गई तो इससे बुरा कोई शेयर नहीं होगा, वो है लॉकडाउन, सिंपल सा लॉकडाउन। 1200 पे आके ऐसे रुक सा गया है, जिसे कहते हैं ना कि आप एक रेस वाला प्लेयर होता है गेट सेट गो, तो गेट भी हो गया सेट भी हो गया, बस गो बोलना बाकी रह गया, आइदर शॉर्ट कवरिंग आइदर टूटेगा। सर क्या होगा इसके अंदर? देखिए देखिए जी, मुझे लगता है कि ये काफी एक बड़े सपोर्ट के आसपास है स्टॉक, और जब कभी भी सपोर्ट पे है तो अपने को लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए इस स्टॉक को बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन कि स्टॉक में किधर की तरफ जाएगा। अब इसमें जो मुख्य लेवल आएंगे मुझे लगता है कि ठीक 1200 आप समझ लें 70-80 के नीचे अगर ये स्टॉक बराबर रहता है तब इसमें हम एक मंदी जो है देख सकते हैं, वो भी 1050 के आसपास तक जा सकता है स्टॉक। तो देखें कि 1180 के नीचे अगर ये स्टॉक रहता है, चूंकि लॉकडाउन जैसा आप बता रहे हो कि चूंकि महाराष्ट्र में काफी केसेस बढ़ चुके हैं और वहां पर गवर्नमेंट जो है बोल रही है कि लॉकडाउन जैसी कुछ मेजर्स ले सकते हैं जो प्रीवियस लॉकडाउन में लिए गए थे, तो वो मेजर्स में अगर लेते हैं तो इस स्टॉक के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। और पूरे इंडिया में भी अगर देखें तो केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इन सारे स्टॉक्स के लिए संतोष सर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये लॉकडाउन बढ़ सकता है, दिक्कत बढ़ सकती है और पीवीआर को नुकसान हो सकता है, चांसेस कितने हैं? अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मेरे को चांसेस बता पाओ तो ठीक है। देखिए ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं है लॉकडाउन का मुझे, और मैं ये कह सकता हूँ जरूर किसी के पास भी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है वो एक्सपीरियंस तो सबके लिए नहीं है। पहली चीज ये है कि जब कभी भी कोई चीज फर्स्ट टाइम होती है तो उसका एक जो है
फियर साइकोसिस होता है दिमाग में और आदमी रिएक्शन जो है ज्यादा तेज करता है, लेकिन जब वो सेकेंड टाइम आपके पास फिर से होता है तो आपको बहुत सारी चीजें पता होती है, तो आपका रिएक्शन कुछ दूसरा होता है, मतलब माइल्ड होता है, कम होता है रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि ये अगर पूरे चार्ट को देखेंगे तो लग रहा है कि कंसोलिडेशन है इस चार्ट में, और कंसोलिडेट साइडवेज करके फिर शायद जो है इसमें आपको एक तेजी हो सकता है दिखे। और वैक्सीनेशन भी हो रहा है और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में शायद जो है पूरे देश नहीं जाए, ऐसा लोगों की बातचीत से, नेताओं की बातचीत से लग रहा है, और शायद लोग भी तैयार नहीं है, कह रहे हैं पूरी जनता भी तैयार नहीं है इस चीज को लेके कि लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि इससे इसके जो रिपरकशन है इसके इफेक्ट बहुत जो है नेगेटिव रहते हैं सारे लोगों की आमदनी पे कह लें, जीडीपी पे कह लें। तो उस लिहाज से जिस पॉकेट में होगा उस पॉकेट को लॉकडाउन करेंगे, न कि पैन इंडिया लॉकडाउन किया जाएगा। तो ये जो है थोड़ी राहत भरा होगा क्योंकि सब जगह नहीं होगा, जिस जगह होगा कंसंट्रेशन जहां होगा वहीं पर शायद केवल करेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि स्टॉक के अगर पूरे चार्ट वीकली चार्ट को देखेंगे तो कंसोलिडेशन और स्टॉक के पास और सपोर्ट के पास है, तो थोड़ा वेट करें 1180 के नीचे जाए तो उसमें हो सकता है कि आपको 100-150 रुपए और नीचे के लेवल मिल सकते हैं। सर वैसे तो मैं खतरों का खिलाड़ी बनना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए अगर मैं पीवीआर में रिस्क लेना चाहूं तो अभी मेरे को मिल रहा है सर ये 1200 रुपए का, 1180 का एक स्टॉप लॉस लगाकर मैं पीवीआर ले सकता हूं। मैं दो वजहों से बता रहा हूं, एक तो जो एसबीआई की रिपोर्ट आई थी उन्होंने कहा था जी 15 अप्रैल तक भारत में वेव टू का पीक हो जाएगा, 25 लाख लोग होंगे, ठीक है धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन किश्तों में लगेगा, कंप्लीट लगने के चांसेस कम है, मेरा भी मानना है सरकार ही नहीं लगा सकती, लोग ही विरोध करने लगेंगे, सरकार तो क्या करेगी, लोग ही विरोध करने लग जाएंगे। तो क्या मैं सर 1180 का एक स्टॉप लॉस लगा के कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, मेरे जाएंगे 20 रुपए आएंगे 100 रुपए। संतोष सर चांसेस हैं 1120 का? ओ ठीक है, अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ संतोष सर हमारे साथ, एक बार वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस बीच नीरव सर मेरे साथ वापस से कनेक्ट हो रहे हैं, एक बार जरा नीरव सर को वापस से कनेक्ट कीजिए एंड आई होप कि उनकी आवाज मन तक अच्छी तक आएगी। नीरव सर आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? एक बार आप कुछ बोलिए माइक ऑन करके। नीरव सर आप कुछ बोलिए माइक ऑन करके एक बार, आई होप कि आवाज आपकी हम तक पहुंच जाएगी। नीरव सर का आज भी इश्यू चल रहा है। संतोष सर वापस आपके पास आ रहा हूं, हमारे साथ वापस कनेक्ट हुए हैं। संतोष सर 1180 जाएंगे 20 रुपए आएंगे 100 रुपए, चांसेस हैं सर? हाँ देखिए इसमें बहुत सारे चांसेस, मुझे लग रहा है कि आप देखो अगर कि आरएसआई को देखोगे दिल्ली पे तो ओवरसोल्ड जैसी जगह है, तो जब कभी भी आरएसआई ओवरसोल्ड रहता है तो आपको वहां पर शॉर्ट इनिशिएट नहीं करके लॉन्ग के वेट करना चाहिए कि लॉन्ग की कैंडल्स आपको जब कभी भी मिले और या फिर रिवर्सल की कैंडल्स आए तो वहां पर आपको लेना चाहिए। और यहाँ पे शॉर्ट जाना मतलब जोखिम भरा काफी हो सकता है, इसीलिए अगर शॉर्ट कर भी रहे हैं उस 1180 के नीचे तो आप अपने पोजीशंस को बहुत ही मिनिमम रखें, क्योंकि ये जो जोन होगा ये शॉर्ट के लिए बहुत खतरा भरा जोन हो सकता है, इसलिए लॉन्ग ले, लेकिन रिवर्सल होने पे एंटिसिपेशन में नहीं, रिवर्स अगर हो या कैंडल रिवर्स हो तभी आप इसमें लॉन्ग जाए। ठीक है डन सर। एक दो शेयर में सर आपसे जरा और आइडिया लेना चाहता था सर, एक तो आपका कन्विक्शन वाला शेयर जिसको आज आप खुद से देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ पोजीशंस ली जा सकती है। देखिए मेटल क्षेत्र की एक कंपनी है, मैंने पहले भी आपको बताया था, और मेटल में जैसे अगर जितने स्टील काउंटर्स आज आप हैं क्योंकि स्टील के प्राइसेस बढ़ने की बात हो रही है, तो मुझे दो काउंटर ध्यान में आ रहे हैं यहाँ पर। पहला एक है MOIL मोइल, इसमें 140-149 का भाव है, इसमें मैंने पहले भी रेकमेंड किया था 140-145 पे ही, 180 तक गया था और 180 के बाद फिर से वापस में उसी जगह पे मिल रहा है। इसमें अगर इसके वीकली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है जिसमें कि 210-215 तक जाने की क्षमता हो सकती है इस स्टॉक में। हम लोगों ने इसमें लिया भी था ऊपर 180 के आसपास बेचा भी था और वापस फिर से इसमें एंटर कर चुके हैं इस स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में जो है तेजी रहनी चाहिए और थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को
लॉन्ग साइड में आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाऊं सर? 140 का स्टॉप लॉस क्या लगाऊं? हाँ 140 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। और दूसरा एक स्टॉक होगा, देखिए सारी स्टील कंपनियों के चार्ट को देखेंगे तो सब में ब्रेकआउट आ चुका है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी भी लगाड़ है थोड़ा, तो इस जगह पे भी चूंकि कई बार बैंड में चला जाता है एफएमओ पे, तो वहां पर भी आप एक देख सकते हो कि स्टील अथॉरिटी इंडिया में 70-80 ये लेवल में काफी बार ट्रेड हो रहा है। तो थोड़ा पोजिशन लें 30-35% यहाँ पर लें और एक अच्छा ट्रायंगुलर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। और मुझे लग रहा है कि ये काफी जो है एक्साइटिंग स्टॉक हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। अगर ये 80-81 के ऊपर चलता है तो यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। सर ये कब तक ठीक माना जाएगा? जब तक 70 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये ठीक है चलेगा? हाँ, ना चलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 80-70 के बीच में आप इसमें एक्यूमुलेट करें और 80-81 के ऊपर अगर निकलता है तो इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, मॉयल हो गया, सेल हो गया, दोनों शेयर हैं, दोनों के दोनों सरकारी कंपनियां, एक मैग्नीशियम और से जुड़ी हुई है और एक सीधा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि स्टील से जुड़ी हुई है। तो डीपी जी, मैं एक चीज और यहां बताना चाहूंगा, चूंकि स्टील अगर बनता है तो उसमें मैग्नीज लगता है स्टील बनने में, और अगर स्टील के दाम बढ़ रहे हैं तो मैग्नीज के भी दाम बढ़ सकते हैं, ये काफी प्रोबेबिलिटी होती है। तो और स्टील बनाने में मैग्नीज का काम लगता ही लगता है, बिना उसके नहीं बन सकता। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि मॉल जो है क्वासी स्टील पे आप कह सकते हो कि अगर स्टील चलता है तो वो चल सकता है और कंपनी के बैलेंस शीट भी अच्छी। ठीक है, आपने तो वही बात बोल दी जो देश के प्रधानमंत्री ने बोला, वो है डबल इंजन, बोले डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। आजकल बड़े मीम्स बन रहे हैं डबल इंजन की सरकार के। ठीक है, तो कुछ कुछ वैसे डबल इंजन वाला आपने हिस्सा बता दिया कि अगर मेटल में हो तो एक काम करो, मॉयल और सेल का दोनों का कॉम्बो ले लो, क्योंकि मॉयल काम आती है सेल के, सेल के जो प्रोडक्ट यानी कि स्टील बनेगा उसमें मैग्नीशियम काम आएगा, तो ये डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। आप मॉयल और सेल दोनों ध्यान रखिएगा। कह रहे हाँ दोनों के भाव अच्छे हैं, मॉयल का भाव मेरे को यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा 148 रुपए का, और सेल का चार्ट तो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 70-80 रुपए के बीच में एंटर कर जाओ फिर आपको हमारी जरूरत कम पड़ने वाली है। वो इसलिए कम पड़ने वाली क्योंकि ये 70 के नीचे शायद जल्दी जल्दी जाएगा नहीं। अब आते हैं मॉयल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, 140 रुपए का पक्के वाला एक स्टॉप लॉस लगा लो। 140 गया, जो मोमेंटम आप बढ़ता हुआ क्रम देख पा रहे हैं ना, ये मोमेंटम धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, फिर 140 का स्टॉप लॉस लगाओ, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 170 और उसके ऊपर के टारगेट भी आपको मिल जाए। मॉयल और सेल, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत मजा आया सर फिर से आपसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।